हेलो बच्चों कैसे हैं आप स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ़ एजुकेशन की इस तेरह अक्टूबर की वर्कशीट में जैसा कि आप देख सकते हैं वर्कशीट का नंबर फोर्टी थ्री और वर्कशीट है क्लास नाइन्थ के लिए आज आपके बुक का चैप्टर है, ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड जो आइंस्टाइन जी के बारे में है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चलिए स्टार्ट करते हैं उसका पैसेज पढ़ना एलबर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न इन बॉर्न ऑन मार्च फोर्टीन एटीन सेवनटी नाइन इन द जर्मन सिटी ऑफ उल तो जो बता रखा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म मार्च चौदह एटीन सेवनटी नाइन को हुआ था जर्मनी के एक सिटी उल्म में ही कूडन टॉक अबाउट फॉर टू टू एंड अ हाफ ईयर ढाई साल तक कुछ नहीं बोले हिज मदर थाट हेम टू बी एबनॉर्मल उसकी मदर को लगा कि भाई वो एबनॉर्मल है ठीक नहीं है हिज प्ले मे इट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग उसको ब्रदर बोरिंग कहा जाता था एंड द स्कूल हिज हेड मास्टर सेट दैट द बॉय वुड नेवर मेक अ सक्सेस एट एनी थिंग और उसके प्रिंसिपल ने स्कूल में कहा था कि इस बच्चे को किसी भी चीज में सक्सेस नहीं मिल सकती है यूज टू स्कोर गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट इन हाई स्कूल इन म्यूनिज बट फेल्ड सफोकेटिंग इन द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ स्कूल सो एट द एज Of 15 years, he convinced his parents after long discussion to continue his education in German speaking Switzerland. नंबर तो बढ़िया आते थे उनके बहुत अच्छे नंबर आते थे लेकिन उनको अजीब सा सफोकेटिंग सा लगता था स्कूल में तो पंद्रह साल की एज में उसने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया और डिस्कशन के बाद डिसाइड हुआ कि उनकी जो बाकी की एजुकेशन है वो स्विट्जरलैंड में कंप्लीट होगी आइंस्टाइन वाज वेरी गिफ्टेड इन मैथेमेटिक्स एंड फिजिक्स बहुत गिफ्टेड थे मैथ्स और फिजिक्स में ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ यूरिजूरिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने उन्नीस में ग्रेजुएशन की ही फाइनली गॉट अ जॉब इन अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न वहाँ पे उनको जॉब मिली वाइल डूइंग हिज जॉब ही वॉज डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज इन सीक्रेट जॉब करते करते वो अपने खुद के आइडियाज सीक्रेटली डेवलप कर रहे थे ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही फेल इन लव विद फेलो इंटेलिजेंट स्टूडेंट मैल मैली मैरिक उनसे उनको प्यार हो गया ही वॉन्टेड टू मैरी हर बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इट एज शी वॉज एन इंटेलिजेंट गर्ल एंड थ्री ईयर ओल्डर देन एल्बर्ट ठीक है मदर ने मना किया शादी करना चाहता था लेकिन मम्मी ने मना किया क्यों क्योंकि वो उनसे तीन साल बड़ी थी द पे फाइनली मैरिड इन नाइनटीन एंड थ्री हंड हैड टू सन शादी हुई दो बच्चे हुए इन नाइनटीन हंड्रेड एंड फाइव हिज पेपर ऑन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्क्राइब द वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्म्यूला उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया उन्नीस सौ पाँच में और जिसमें उन्होंने एक रिलेटिविटी के ऊपर बहुत फेमस फार्मूला दिया इट इज डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप दर्शाता है एंड दैट इज ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर बेटा ये ई इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वेयर है ये टू यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा नहीं है ये उसके बाद आफ्टर अ फ्यू इयर्स द मैरिज बिकम अ वीक धीरे धीरे शादी कुछ सालों बाद शादी वीक होने लगी मेलवा स्टार्टेड लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एंड एम्बिशन एंड बिकम एन अनहैप्पी हाउस वाइफ क्योंकि उनको पढ़ाई में नहीं कर पा रही थी बिकॉज शी वॉज वेरी इंटेलिजेंट और फिर वो अनहैप्पी रहने लगी उन्नीस उन्नीस में कपल ने डिवॉर्स लिया और उन्होंने अपनी उन्होंने शादी करी अपनी कजन एल्सा से उसी साल 1915 में उन्होंने पेपर पब्लिश किया जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर एक न्यू मीनिंग मिला वर्ल्ड को ग्रेटिविटी का ग्रेविटी का एंड एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 नाइनटीन ब्रॉड प्रूफ दैट हिज थ्योरी वाज एक्यूरेट एक एक्लिप्स उन्नीस में आया जिससे पता चला कि उनकी थ्योरी बिल्कुल सही है न्यूज़पेपर कॉल्ड एज़ वर्क अ साइंटिस्ट साइंटिफिक रेवोल्यूशन न्यूज़पेपर ने उनको उनके काम को साइंस में एक क्रांति के रूप में दिखाया उन्होंने उन्हें नोबल प्राइज़ मिला 1921 में फिजिक्स के लिए और उनको प्रेज किया गया उनके उनके काम के लिए सिर्फ वहीं नहीं पूरे वर्ल्ड में नाइनटीन में जो नाजी है बेटा वो आए थे पावर में जर्मनी में और सो ही मस्ज टू बी द यू एस पाँच साल बाद क्या हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन बर्लिन अमेरिका फिजिस्ट वर वेरी अपसेट बहुत वेअसेट हुए दे वर अफ्रेड दैट नाजीज कुल बिल्ड एंड मेक एन आई यूज़ एन आई अटामिक बाम उनको लगा कि अटामिक ब, आ, मतलब वो बॉम्ब बना लेंगे वो भी on the request of colleague he wrote a letter to the American president Roosevelt warning him that the a single bomb exploded in port might very well destroy some of the surrounding territory उन्होंने एक letter लिखा वहाँ के president को कि भाई अगर एक bomb भी गिराएगा ना port में तो सिर्फ वही वही नहीं आजू बाजू में भी बहुत विनाश होगा America secretly developed atom bomb and dropped it America ने बनाया uh, bomb और उन्होंने Japanese city Hiroshima और Nagasaki में उसको डाल दिया आइंस्टाइन वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय द एक्सटेंट उनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुई कि भाई इतना डिस्ट्रक्शन हो गया ही अगेन रोट अ लेटर उन्होंने दोबारा से लेटर लिखा कि दिस टाइम दैट यूनाइटेड नेशंस टू फॉर्म अ वर्ल्ड गवर्नमेंट कि भाई एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनना चाहिए जहाँ पे इन सब चीज़ों का निपटारा हो आइंस्टाइन गॉट पॉलिटिकली इन्वॉल्व इन द नेक्स्ट टेन ईयर्स फिर पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो गए प्रोटेस्ट किया उन्होंने आर्म बिल्ड के अगेंस्ट ही कैम्पेन फॉर पीस शांति के लिए और डेमोक्रेसी के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई दिस साइंटिफिक जीनियस डाइड एंड

इन 1921 उनको प्राइज़ मिला था नोबल प्राइज़ और फार साइटेड का मतलब होता है बेटा विजनरी आगे क्वेश्चन है वाई वॉज अमेरिकन फिजिक्स अपसेट ये मैंने यहाँ भी लिख रखे हैं दे वर अफ्रेड दैट द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम उनको वो डर था कि भाई वो भी क्या कर सकते हैं बम बना सकते हैं हाउ डिड आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रूव टू बी अ साइंटिफिक रेवोल्यूशन कैसे साइंटिफिक रेवोल्यूशन प्रूव हुआ जो थ्योरी है बेटा ये ओ है ऑफ़ रिलेटिविटी डिस्क्राइब वर्ल्ड मोस्ट फेमस फार्मूला इन्होंने वर्ल्ड का जो फेमस फार्मूला है वो डिस्क्राइब किया है जो रिलेशन दिखाता है मास इन एनर्जी का इसलिए क्या है ये साइंटिफिक रेवोल्यूशन है फिर है वर्डर आइंस्टाइन वॉर्न द अमेरिकन प्रेजिडेंट उन्होंने वार्न किया कि भाई एक बम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकता है एंड लास्ट है डू यू थिंक आइंस्टाइन वॉज अजीनियस बताओ कैसे अजीनियस इज़ अ पर्सन हु एक्सेप्शनल इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एबिलिटीज जीनियस वो होता है जिसके पास इंटेलेक्चुअल बहुत दिमाग बढ़िया वाला होता है और बहुत क्रिएटिव एबिलिटी होती है वेरी वर्सेटाइल पर्सन होता है और सिर्फ परफेक्ट नहीं होता एक ही फील्ड में वो क्या करता है और अपनी एनर्जी को सोसाइटी के बेटरमेंट में भी लगाता है तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि भाई क्या हुआ आइंस्टाइन जी ने भी तो सेम चीज़ ही करी उन्होंने क्या किया पहले तो उन्होंने वो इंटेलिजेंट थे तो उन्होंने वो फॉर्मूला दिया नॉट ओनली दैट उसके बाद जब उन्हें लगा कि भाई डिस्ट्रक्शन हो रहा है कुछ करना चाहिए तो उन्होंने क्या किया वो वो इन्वॉल्व हुए सोशल रिफॉर्मर बने तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जीनियस थे तो चलिए आज की वर्कशीट हमारी यहीं पर ख़त्म होती है कल मिलेंगे कल की वर्कशीट के साथ तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे सेफ टेक केयर